इस उद्योगिक नगरी और धार्मिक नगरी बालोत्रा की भूमि को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण सामने इस विशाल सभा में बैठे हुए बालोत्रा नगर और दूर दूर ग्राम से पधारे हुए 15 विधानसभा क्षेत्र के किसान भाई, आप सबका मैं अपनी ओर से इस नगर के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आज का दिन एक बहुत ही पवित्र दिन है। नीचे प्लीज भगवान कृष्ण का जन्म है, मथुरा में हुआ पर उनका पालन है, फिर बाद में गोकुल में हुआ। उनके बारे में पहले भी बक्ता बता चुके हैं, ये अत्याचारों का नाश, ये सरकार के जो अत्याचार है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर वन, बहन बेटियों की इज्जत लूट में नंबर वन, और अन्य जो है हर प्रकार से झूठ बोलने और भ्रष्टाचार के अंदर कहा जाए, कल पीडब्ल्यूडी का चीफ इंजीनियर तक है वो पकड़ा गया। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि ग्राम से पकड़े जा रहे हैं, चीफ इंजीनियर पकड़ा जा रहा है, थानेदार पकड़े जा रहे हैं, एसपी पकड़े जा रहे हैं, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लेकिन हमारे मौनी बाबा इस बारे में कोई नहीं सोचते, वो तो बड़े आनंद से जो है इस 2 महीने के अंदर खैराज बांट रहे हैं, और इस खैराज बांटने से क्या लाभ है, गारंटी कार्ड दे रहे हैं। आपको पता है अभी उन्होंने एक किट दिया और उसमें किट में क्या किया, जब ये किट खोला तो मिर्चे हैं उसके अंदर ईंट की जो घिसाई करके डाली हुई। इस प्रकार का जो है भ्रष्टाचार लोगों के लिए है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी सरकार में, वसुंधरा जी की सरकार में, आपको मालूम है, किसानों को तो पता है, हर साल जो 13,600 रुपये है वो खाते में डाले जाते थे, बीमा बराबर मिलता था। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद में कहा, और हमारे राहुल बाबा ने यहाँ आए जयपुर में कहा, आपके सारे कर्जे माफ, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ये कर्जे माफ, ऐसे इनके नेता है। लेकिन वो कर्जा माफ नहीं हुआ। आज जो देखते हैं हमारे यादव है, वसुंधरा जी की सरकार ने ओपन फसल जो है इसकी में इसको पूरा किया, और उसके बाद में सिवाड़ा के लोग आज 300 दिनों से जो हड़ताल पर है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। ये है ये सरकार। आपको पता होगा विधायक यहां से छोड़े जाते हैं, 5 स्टार होटलों में उनको रखा जाता है, और जब जयपुर के अंदर 5 स्टार में इधर उत्तर होते हैं तो हवाई जहाज से उनको जो है जैसलमेर के अंदर होटल में रखा जाता है। एक विधायक पर खर्चा दिल्ली 35,000 का होता है। ये पैसा सरकार का पैसा, ये किसानों की मजदूरों की कमाई का पैसा है। वो लोगों विधायकों ने जो है वह होटल में रह करके ऐसा काम किया। क्या आपको जनता ने इसलिए सुना कि आप 5 स्टार होटलों के अंदर महीना महीना गुजारे, 4.5 साल तक किसी का भी जो है किसानों की सूट लेवे नहीं, व्यापारियों के बारे में सोचे नहीं,
पानी के बारे में, सड़कों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सिमाना से जो है डांगड़िया सड़क पड़ी, ये बैठे हमीर सिंह जी और हम लोगों ने 50 किलोमीटर मेरे यहाँ 30 किलोमीटर इनमें 10 किलोमीटर आके 320 करोड़ रुपए है मैडम ने उसी समय दिए। आज आप वहां पर ऐसे चलते हैं, लोगों कहते हैं भला वेजो भाई एड़ा एमएलए रो जो एड़ी रोड़ो बड़े, लेकिन आज हमीर सिंह जी समदड़ी से बालोतरा की सड़क के बारे में जानते हैं। ये विकास पुरुष आए दिन जो लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, खड्डे ही खड्डे पड़े हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। सारी सड़कें टूट गई और कह रहे हैं कि हमने विकास किया, सड़कें बढ़ाई। अरे ये नहीं है, अभी राहत बंगले के अंदर 2 महीने पहले समदड़ी रोड की ये जो पीटूजा की प्यू तक एक रोड बढ़ाई 3 किलोमीटर, और उस 3 किलोमीटर रोड आपको तजुब होगा कि 3 दिन के अंदर टूट गई। अब मान लीजिए कि विकास पुरुष है, लाखों रुपए जो है इस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये कोई धड़ी धोड़ी सुनने वाला नहीं है। आज बालोतरा के अंदर पानी की समस्या है, और जो पानी आता है वो गड़बड़ी में जड़ो पानी आवे। अबे उन कलेक्टर को पूछो, उन एसपी को पूछो, क्या आप पानी पियोगे? कोई पीने के लिए तैयार नहीं होगा। कुमारी सिंह जी ने कहा असाडा के अंदर पानी भेज देंगे, धापरा में पानी भेज देंगे, बुढ़ीवाड़ा में भेज देंगे, असोद्रा में भेज देंगे, क्या पानी पहुंचा? आज दिन तक पानी एक बूंद नहीं पहुंचा। इस प्रकार से जो बेटा पानी की जो जरूरत है, हमने हमारे समय हर जगह जो ओवरहेड टैंक बनाए, वो टैंक जो है वो जर्जर गिरने लायक हो गए, लेकिन इस विकास पुरुष ने जो कुछ काम नहीं किया। भाइयों आपको मालूम है मोदी जी के जो उन्होंने मोदी जी ने देश के लिए जो काम किया है वो वैसा कोई काम कर नहीं सकता। मोदी जी ने आज मालूम होना चाहिए कि ये जो है कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज बोनस के अंदर हर महीने 3 साल से दे रहे हैं, ये है मोदी जी की जो है करार। उसके बाद में आज ऐसी वैक्सीन तैयार की, ऐसी दवाई तैयार की, और जिसके कारण 100 देशों के अंदर हमारी वैक्सीन आ गई। आपको पता होना चाहिए ये भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा। आपको मालूम है हवाई जहाज जो हमारे करीब जो है, आज चिमोतर हवाई अड्डे थे, आज हमारे हो गए 100 चिमोतर हवाई अड्डे हो गए, 148 हवाई अड्डे हो गए। इस प्रकार से हवाई जहाजों के जो वो जो बढ़ रहे हैं, और ये 6-9 आप देख रहे हो, ये जो है गडकरी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये जो 6-9 बनाई, आप जो बहुत ही कम समय में अमृतसर से जो है जामनगर पहुंच सकते, इस प्रकार के बड़े बड़े काम जो है किए हैं। और किसानों के लिए सम्मान राशि आपको पता है 1000 रुपये सालाना जो आपके खाते में डाल रहे हैं। आप हमारे एमपी को पूछते हैं हमारे लिए क्या किया, एमपी कह रहा भाई 5 साल में 30,000 रुपये तो मैं आपके खाते में डाल ही रहा हूँ, फिर आप क्या चाहते हो? बाकी की जो सारी स्कीमें हैं, ये जो अपना रेल बलोतरा रेलवे स्टेशन में 19 करोड़ रुपये लाए हैं, अब नए टाइप का जो हमारा ये बाड़मेर में 200 करोड़ लाए हैं, जैसलमेर का स्टेशन बन रहा है, कुल इस प्रकार से राजस्थान के 55 जो है रेलवे स्टेशन है उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए इतने साल में उन्होंने काम क्यों नहीं किया, पहली बारी सरकार ने क्या उनको मना किया था? उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए भाइयों ये जो परिवर्तन रेल
रैली आ रही है और इसके अंदर जो आज मुख्य रखना हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल है, ये यहाँ के पीडी भी रहे हैं, चूरू में कलेक्टर भी रहे हैं और मैं वहां का प्रभारी भी रहा हूं। ये जो इस प्रकार से उन्होंने काम किया कि आज जो है कह रहे अम्बेडकर के बाद में विधि मंत्री के रूप में आज पार्लियामेंट में हमारे अर्जुन जी मेघवाल है। ये दलितों को देता अधिकार दिया गया है, दलितों को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है, वो कोई कर नहीं सकता। लेकिन ये जो कांग्रेस सरकार अभी रेवड़ियां बांट रही है, इस रेवड़ियों के फिराक में आप आना मत। ये तो जो है थोड़े दिन के, एक महीना रहा, एक महीना 5 दिन कम हो गए हैं, उस दिन आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब मैं आपको क्या बताऊं, जिले के बारे में बात आती है, जिला उधर बढ़े जहां मेरी जमीन हो वहां बढ़े, जो बढ़ेगा वहां भाई, जहां हमने 934 बीघा जमीन जब है मुकेश जी शर्मा के सामने ऑबिटिंग कर दी थी तो वहां क्यों नहीं बने? कारण क्या? मेरी जमीन की कीमत बढ़े और मैं पैसों से मारो माल होता। आज हर प्लॉट पर भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, आज यहाँ का जो है सब रजिस्ट्रार है उसको पूछो, 1 महीने के 1 करोड़ रुपए की इनकम है उसकी। अब आप तो कह रहे हो योजना भवन के अंदर अगर 2 करोड़ रुपए और 1 किलो सोना पकड़ा जाता है, ऐसी निकम्मी भ्रष्टाचार सरकार है कोई नहीं हो सकती। यही जो है मुख्यमंत्री जी पायलट को कह रहे थे निकम्मा है, कमीन है, आज वो उनके उनका कोई मोरल नहीं है। कांग्रेस के आदमियों का कोई मोरल होता तो मुंह दिखाते नहीं कि अगर हम निकम्मे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन पर कोई लाज है ना कुछ नहीं है। कितना ही कहो, चाहे ढोल को कितना ही फड़ो, लेकिन वो इस प्रकार से सुनने वाले नहीं है। आप लोग इतने दूर से पधारे हो, मैं पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत देरी हो गई, आपको जो है 5 बजे का टाइम दिया था हमने, लेकिन अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और रथ हमारा जो है, जब मैं पदपदा से रवाना हुआ उस समय वहां से रवाना हो गया था और नेहरू कॉलोनी से होता हुआ आ रहा है। इसीलिए भाइयों आपने बड़े धैर्य से जो है हमारी बात को सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व मंत्री जी का। अभी मैं अगले वक्ता के रूप में